बड़े सीनियर वकील खड़े थे, कहने लगे औरतों की कोई जगह नहीं है ऊपर जुडिशरी में जाने की। मेरा नाम जस्टिस माजदा रिज़वी है और मैं 1963 में एनरोल हुई थी और 1994 में मैं एलिवेटेड टू द बेंच जज बनी हूँ सिंध हाई कोर्ट के। मैं शीरिन दोस्त एक एयर होस्टेस थी पीआईए की। पीआईए में उस वक्त मेल जो एयर होस्टेस थे होस्ट थे वो तो वही 58 या 60 जो एज होती है उस पर रिटायर हो गए थे। एयर होस्टेसेस को 35 इयर्स में रिटायर कर रहे थे, फर्स्ट रिटायर कर दे रहे थे। उसमें ये पारसी लड़की थी, इसने कोर्ट में पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 25 के सब इक्वल हैं सिटीजन, और वहाँ पर मैं और एआर काजी हमारी बेंच थी तो हमने इसको टेकअप किया। हमने पिटीशन एक्सेप्ट की, पीआईए को नोटिस दिया। उस ज़माने में ये फारूक नायक था, ये आए, इन्होंने देखा कि हम बेंट अपॉन पासिंग ऑर्डर, कहने लगे अच्छा आप मुझे एक दिन का टाइम दें, मैं क्लाइंट से बात करके आता। कहने लगे जी हम एज 40 कर देते, सब नथिंग डूइंग, आपको कोई हक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। अब कहने लगे ये फ्लाई नहीं कर सकते। सर किसने कहा, मैं बाहर के एयरलाइन में जाती हूँ, 50 साल की औरतें तो मैं देखती हूँ, आप इनको ग्राउंड में यूज़ करें, इतना ट्रेन करते हैं, पैसा खर्च करते हैं आप, तो यू कैन यूज़ दैम। तो वो हमने पास किया। उसके बाद मैं उम्रे पे गई थी तो वहाँ पीआईए के ऑफिस में मुझे उन लोगों ने बताया कि आपने जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उसका अपोल किया है और हमारी वहाँ से भी वो हो गई। उसका असर ये है कि आज आप ओल्डर वमन भी देखते हैं ग्राउंड में या उसमें। पांच या छह आदमी फजर के वक्त मारे गए थे वहाँ इमाम बार का, और वो केस कब से पेंडिंग था और कोई बेंच उसको लेने को तैयार नहीं। तो उस वक्त चीफ जस्टिस या तो कादिर साहब थे या कौन थे, उन्होंने वो स्पेशली हमारी बेंच में भेजा। मेरी और सरमद उस्मानी की बेंच थी। सरमद ने मुझसे कहा भी कि और कोई नहीं ले रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम लेंगे। अजीज़ुल्ला शेख थे उसमें, ये न्यू टाउन मस्जिद के इसमें, उन लोगों ने वो किया कि सब केस शुरू किया। इन लोगों ने नेक्स्ट डे मेरे पास इतना लंबा चौड़ा कोई दो पेजेस का खत एक आया किसी का कि साहब आप भी मोमिन हैं और हम भी मोमिन हैं और आप हमें हमारी बात सुने और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें असल क्या हुआ फलाना करके। तो समझ से मैंने बात की, मैंने कहा यार इसका मतलब ये है कि किसी एक पार्टी को हम पे ट्रस्ट दें। दो दिन सुना हमने उसको, फिर चीफ साहब को भेजा कि भाई आप किसी और को भेजें क्योंकि ये ख़त वापस आया। अजीज़ुल्ला शेख बेचारे सर पकड़ के बैठ गए, मेरे पास चैम्बर में आए, कहने लगे आप लोग क्यों वो करें। उनको मैंने बताया, मैंने कहा देखिए ये ख़त है, आप मेरे उस्ताद भी रहे हैं, अब इसमें हम क्या करें। बाद में मुझे कोई एक वीक बाद आए, कहने लगे मैंने अपने क्लाइंट्स को इतना बुरा भला कहा है कि तुमको इससे अच्छी बेंच नहीं मिलेगी, वो ये न्यूटाउन वालों ने देखा था ये सब ये करके कि जैसे मुझे दूसरी साइड से खत आया। फाइनली वो केस सरमद और कोई उनके साथ और जज था, उन्होंने सुन के डिस्पोजल किया।
मैं बैठी हुई देखती रहती थी, उन्होंने ऊपर से तो देखता है इंसान। एक आदमी क्रचेस पे आता था, चला जाता था, उसका केस का नंबर नहीं आता था। तो मैंने अपने रीडर से एक पिक कहा, मैंने कहा इसका केस देखो क्या है। उसका केस था, ये वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, रिटायरमेंट हुआ तो उसकी पेंशन रोक दी थी गवर्नमेंट ने। ये बदमाश जो होते हैं डिपार्टमेंट वाले, उसने सूट फाइल किया, ऑर्डर्स हुए पेंशन। अब उसकी टोटल पेंशन 84,000 हुई। कितने साल बगैर किसी वजह के रोकी मेरी पेंशन, कितने पैसे जमा हुए मेरे, तो उसके ऊपर मुझे आप 20% इंटरेस्ट है। उसने फिर एक केस फाइल किया। अब वो कोई जज सुनने को तैयार नहीं कि भाई इसकी तो डिग्री हो गई थी, फिर ये मांग रहा है। केस उठा के मैंने देखा, नोटिस दिया गवर्नमेंट साइट को, और नेक्स्ट वीक मैं उसको बताया कि नेक्स्ट वीक में तुम्हारा केस है। जजमेंट तो आ गई थी, क्वेश्चन सिर्फ ये था कि 20% इंटरेस्ट का। तो गवर्नमेंट वालों से मैंने पूछा, उन लोगों ने कहा कि सब सब टू यू। मैंने उससे कहा कि देखो, मेरा जो जुरिस्डिक्शन या मेरा लीगली मैं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें 10% इंटरेस्ट दे सकती, 20% नहीं दे सकती। अगर आप एग्री करते हो तो मैं ऑर्डर पास कर दूँ, अगर नहीं करते हो तो फिर आप करते हो। कहने लगा साहब, खुदा के लिए हमारी जान छुड़ाओ। बिल्कुल वो डेस्क पे खड़ा हुआ, एक हाथ पे खड़ा, एक से गिरा उसका। मैंने वो ऑर्डर पास किए 10% के। बिलीव में वो क्रच छोड़ के इतना रोया है वहाँ पर। तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि आई हैव डन समथिंग। एक औरत बैठी हुई पीछे ऊपर फूकती तो कोर्ट में बैठती, तो मैंने उसे, हाइज रीडर थे, उनसे पूछा, इसको बुला के पूछो इसका केस क्या है। मैं बताया, उसका बेटा काम कर रहा था किसी के घर में एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट। रात को 9 बजे उनको, बूढ़ा कपल था उनके पास काम कर रहा था, उनको खाना खिला के निकला है, पुलिस ने इसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। इससे पैसे मांग रहे थे वो, इसके पास पैसे नहीं थे, गरीब था, एक माँ और एक बहन थी, उसको जेल में डाल दिया, FIR काट दी। अब उसके खिलाफ कोई चीज़ें नहीं थी, सस्पेक्ट पकड़ा गया। फिर जेल से नोटिस भेजा, जेल को उसको बुलवाया, गवर्नमेंट वालों को पूछा, लगे सब फाइल पे तो कुछ है नहीं। दोनों मियाँ बीबी जिनके पास काम कर रहा था, उनके एफिडेविट लगे हुए थे कि ये हमारे पास इतने बरसों से काम कर रहा है, अच्छा लड़का है, और हमें खाना खिला के फलावा, यानी हर चीज़ टैली कर रही थी उसका बयान। और वो तो उसको मैंने वहीं पे छोड़ा, एक्विट किया। गवर्नमेंट वालों ने भी एग्री किया, नो ऑब्जेक्शन दिया। फिर मैंने पुलिस को खत लिखा था कि ये जिन लोगों ने इसको पकड़ा था उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, पता नहीं लेते हैं नहीं लेते हैं, क्या होता है। वो औरत कहती है कि हफ्ता भर से मैं और मेरी बेटी कागज़ की थैलियाँ बना के मुश्किल से हम खाना खाते हैं। औरत भी उस दिन आँखों से आँसू उसके भर रहे थे। तो यू नो, आप जब ये पुलिस के ये हरकतें और ये चीज़ें देखते हैं तो इतना दुख भी होता है, एंड देन यू फील सेटिस्फाइड कि आपने कुछ किसी के काम किया है। एक आदमी था वहाँ पे ब्रांच में, वो हमें बहुत तंग करता था, वो पैसे खाता था दूसरी साइड से और केसेस को डिले करता था। फिर एक दिन एक केस हमारा
उन्होंने छुट्टियों में 30 जून आई रिमेम्बर द डेट उस दिन डिस्पैच कर दिया रजिस्ट्रार के पास शो किया डायरी में और वो केस अंदर दबा दिया। मैं वो केस ढूंढूं तो मुझे फाइल ना मिले। ब्रांच में आई, सारा देखा। आखिर में मैंने कहा अगर वो फाइल नहीं मिली मुझे तो मैं चीफ साहब के पास जाऊंगी। फिर वो फाइल मिली, उसमें देखा तो 30 को एप्लीकेशन दी, रेस्टोर करवाया, उसकी कॉपियाँ लेके आई वेंट टू द चीफ जस्टिस। कहने भाई तक कैसे आई हो तुम? मैंने कहा सर मेरा तो कोई काम नहीं है मगर ये प्रॉब्लम। उन्होंने फ़ोन उठाया रजिस्ट्रार को एंड ही सेड आई डोंट वांट टू सी दिस मैन टुमारो इन दैट चेयर। और जब मैं निकली हूँ तो रजिस्ट्रार साहब अपने दरवाजे पर खड़े हुए देख रहे थे कि किसने शिकायत की। दफ़ा एक मेल जज गए, मैंने कहा यार उनसे बेहतर तो हम काम करते हैं तो हमारी क्यों नहीं होती है अपॉइंटमेंट। तो एक बड़े सीनियर वकील खड़े थे, कहने लगे औरतों की कोई जगह नहीं है ऊपर जुडिशरी में जाने की। खैर मुझे बुरा तो लगा, खामोश हो गए अब क्या करते। मुझे चीफ जस्टिस ने बुलाया और उन्होंने कहा कि हम आपका नाम भेज रहे हैं। आई वॉज हैप्पी, 5-6 को हमारा नोटिफिकेशन आया उसके लिए। एक दिन पहले मुझे चीफ साहब ने कहा, एक तो ये बात थी कि आपको शेरवानी बनानी पड़ेगी। उस ज़माने में शेरवानी पहना करते थे, जैकेट नहीं था। तो मेरे जो जैकेट सियर करते थे उनको मैंने कहा मुझे कल सुबह पहनना है, आपको सुबह पहुंचानी है मुझे। कहते कोई बात नहीं है, मैं भेज दूँगा। फिर जब लोगों को पता पड़ा, मुझे बड़े कोई कहे सर पे दुपट्टा ओढ़ा करो या साड़ी का पल्ला डाला करो, ऐसे बैठो, फलाना करो। मैंने कहा देखिए मैं जो यहाँ हूँ मैं वही हूँ। एक औरत थी पठानी, वो अपना केस खुद लड़ रही थी। बेचारी के कागज़ फैले हुए, ना प्रॉपर पेपर वो कुछ भी नहीं था और जजेस परेशान थे। तो शेख साहब ने मुझे पुकारा, मैं खड़ी हुई, कहने लगे कैन यू हेल्प दिस वुमन? बिल्कुल। कहने लगे हम नेक्स्ट वीक में लेंगे, इनका आप हेल्प करते हैं ताकि केस इनका हो जाए। खैर फिर उनका कागज़ लिया, लेके सारा देखा, पेपर बुक्स बनवाई सारी, फिर वो किया। तो फिर उसको आर्ग्यू भी किया वो केस, उसमें एविडेंस बहुत कम हुई भी थी। वो वापस हाईकोर्ट आ गया और हाईकोर्ट में फिर मैंने कहा ठीक है मैं आर्ग्यू करूँगी, तुम फिक्र नहीं करो। वो पठानी का छोटा सा एक घर था एक कमरे का, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो उसके भाइयों ने उस पर कब्जा कर लिया था और इसको निकाल दिया था। खैर वो हम केस तैयार हुआ चलने वाला था तो एक दिन ये आई, रमज़ान की 27 तारीख थी, मुझे कहती है कि वकील साहब आज मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? कहते मैंने देखा आप बड़े से टेबल के पीछे बैठे हो, मुझे लगता आप जज बन जाओगे तो मेरे केस का क्या होगा। उस ज़माने में चल रही थी ये बात। आई वॉज सरप्राइज्ड दैट वुमन। तो मैंने कहा तुम फिक्र नहीं करो, अगर मैं बन गई तो मैं ऐसे आदमी को दूंगी जो तुम्हारा केस फ्री लड़ेगा और जीत के भी देगा। तो वो खुदा का करना, उसके बाद फिर मेरे जज का अपॉइंटमेंट भी हुआ, फिर वो केस मैंने आबू जुबैरी को दिया। खालिद इसहाक साहब के साथ एक केस किया था, उसमें वो एक डॉक्टर था,
उसको वो क्लिनिक पे आदमी को देख रहा था। क्रॉस फायरिंग हुई पुलिस की, गोली आके लगी पुलिस वाले की उस पेशेंट को। पुलिस वाले भाग गए और उन्होंने केस बनाया FIR काटी उस डॉक्टर के अगेंस्ट कि जी इस टाइम मारा है। वो MQM के लोग थे, कोई उस डॉक्टर का केस लेने को तैयार नहीं। खालिद साहब ने मुझे कहा, तो मैंने कहा ठीक है I'll be with you। तो वे took that केस, फिर उसकी बेल करवाई। तो हमें ये पता था कि जो हाई कोर्ट में ऑफिसर्स थे, जो उनके सपोर्ट के थे उस पार्टी के, वो उठ जाएंगे ताकि उस दिन उसकी बेल नहीं हो। बट आई न्यू दोज पीपल एंड आई वेंट एंड टोल्ड देम कि अगर तुम लोग मुझे नहीं मिले तो अच्छी बात नहीं होगी। एंड टेल यू कि वो बैठे रहे और बेल हुई उस आदमी की। सबसे पहला केस जो मेरा था उसमें हुआ ये था कि मैं ऑफिस में केस तैयार करती रहती थी सीनियर के लिए, और इस केस को भी मैंने पूरा तैयार किया हुआ था, बल्कि इसमें लॉ वगैरह भी निकाला था और सारी चीज़ें। और तो मेरे सीनियर ने कहा था कि ठीक है ये केस आप शुरू करें, आप खुद इंडिपेंडेंट करें। आई वॉज हैप्पी, तैयारी भी की, सब कुछ की। क्लाइंट आया बैठा था तो सीनियर ने उसको कहा कि भाई ये आपका केस करेंगे, इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और ये सर साहब आपकी फ़ीस हमने दी है, इनकी नहीं, और ये लड़की क्या करेगी। तो थोड़ा सा शौक भी लगा, आंखों में आंसू भी आए, मगर ये कि डिसहार्टन नहीं हुए। इत्तफाक की बात कि वो केस जस्टिस नाना के सामने लगा। मैंने कहा सब मेरा क्लाइंट डजंट वांट मी टू प्रोसीड, आई हैव प्रिपेयर्ड इट। मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर योर क्लाइंट, आई एम अलाउइंग यू 10 मिनट्स, गो थ्रू द फैक्ट्स एंड स्टार्ट फ्रॉम। खैर क्लाइंट भागा, वहाँ देखा तो वो आर्ग्यू कर रहे थे, आके बैठ गया। फिर हमने एविडेंस शुरू की, अपने 2 विटनेस थे, फिर दूसरे साइड से उनका क्रॉस किया। जज साहब वॉज ऑल्सो ही न्यू के फर्स्ट टाइम मैं वो कर रही हूँ, तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल। और बस फिर जब हमने वो पूरा किया तो मैं क्रॉस कर रही थी, जब सीनियर आए तो जज साहब ने उनसे कहा आप बैठ जाएं, यू वॉच योर जूनियर, शी विल फिनिश द केस। और फिर एविडेंस ख़त्म करने के बाद उन्होंने कहा आई एम गिविंग यू 2 वीक्स, आप तैयार करें, आप आएंगे, आप आर्ग्यू करेंगे। एंड इट टोल्ड द सीनियर कि आप नहीं आएंगे इस केस। तो वो केस फिर मैंने जीता भी, और जज साहब भी खुश थे, और आई फेल्ट यू नो आई हैड ऑल द स्ट्रेंथ। उसके बाद से बस फिर वो जो एक शाइननेस होती है फर्स्ट उसकी, वो ख़त्म हो गई। मेरी फैमिली में एजुकेशन वॉज द प्रायोरिटी। हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम लड़की हैं या लड़का हैं, हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी घर में भी, पढ़ाई में। और मेरे फादर जो थे ख़ुद बहुत इंटरेस्ट लेते थे हर बच्चे के एजुकेशन में, कि ये क्या करना चाहते हैं, और उसी में उनको सपोर्ट करते थे। पढ़ने को तो वो लोग कहते थे जहाँ तक पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन जब प्रैक्टिस में हम आए और प्रैक्टिस के लिए मैंने एनरोलमेंट के लिए परमिशन ली, उस वक्त मुझे थोड़ी सी रेजिस्टेंस हुई। और उसमें मैं जो भाई यहाँ पर थे ही वजह, उनका ऑब्जेक्शन था कि उस ज़माने में हार्डली कोई औरतें थीं प्रैक्टिस में, तो ही सेड के एक्सप्लॉयटेशन बहुत है औरतों का और आई वोंट लाइक यू टू गो। और मेरे फादर नेचुरली भाई की वजह से रिलक्टेंट थे,
लेकिन मैंने वो गिव अप नहीं किया. फॉर सिक्स मंथ आई वेंट ऑन नैगिंग माई मदर पर्टिकुलरली कि मुझे परमिशन चाहिए. और फिर फाइनली उन्होंने कहा हमारी जान छोड़ो. और ठीक है, मैंने उनसे एक प्रॉमिस किया कि एक तो क्रिमिनल केसेस नहीं करूँगी और दूसरे ये कि अगर मुझे लगा कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ तो देन आई विल कम बैक. लेकिन आई थिंक 5-6 महीने के बाद उन्हें भी अंदाज़ा हो गया और मुझे भी कि आई एम नॉट कमिंग बैक बट आई विल प्रोसीड. इवन हाई कोर्ट में जो मैं कॉर्पोरेट केसेस करती थी, 3 जनरेशंस ख़त्म हो जाती थी. इनके लीगल एयर्स, उनके लीगल एयर्स, उनके लीगल एयर्स. पता चला 30s में 40s में कोई लोन लिया था और चल रहा है 70s तक और उस पर. 3 जनरेशंस मैंने देखी. तो ये इसमें सिस्टम भी है. और मैं हमेशा कहती थी इसमें लॉयर्स का भी रोल है बहुत हद तक, क्योंकि हम सिर्फ अपने क्लाइंट को बचाते हैं. हमारा रोल कभी ये नहीं रहा कि सिस्टम को भी हम देखें केस में. यानी अगर मेरे क्लाइंट ने स्टे लिया है तो मैं चाहूँगी कि ये 20 साल रहे. मैं कभी ये नहीं देखती कि जो दूसरी साइड है उसको भी तकलीफ़ हो रही है, चाहे मेरा क्लाइंट सही है या गलत है, मगर जो अपोजिट साइड है वो भी खींच रहा है. कोर्ट की पूरी मशीनरी मुस्तकिल खींच रही है. तो ये सब हमारा भी तो रोल है वकीलों का. तो हम क्यों नहीं ये चीज़ देखते कि बे हम अपने क्लाइंट का तो इंटेग्रिटी के साथ इंटरेस्ट देख रहे हैं, लेकिन हम सिस्टम का भी देखें कि हम सिस्टम को कितना स्ट्रेच कर रहे हैं. तो मैं हमेशा कहती हूँ, या जजेस में भी अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो तो इसमें एक फैक्टर नहीं है, इसमें कई फैक्टर्स हैं. एवरीबडी विल हैव टू वर्क टुगेदर.